Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic wise news analysis where the coverage of the news would be from the Hindu as well as from the Indian Express. तो दोनों जो leading newspaper है उससे news को cover करेंगे, साथ के साथ उस news के जो important topic है उसको समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा benefit हो सके prelims और mains examination में, right? So let's get started. And these are the topic list. So today we'll be discussing these are the topic. Today is 4th of June or we have started a new format for the daily news analysis to get you a right experience. कुछ अच्छे तरह से कुछ आपकी presentation में और मदद हो सके तो बहुत ही lucid तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा. तो आप comment section में ज़रूर बताएं कि how do you like this presentation, the way we are representing it, जिस तरह से current present. तो ये अपने views, अपने reviews ज़रूर दें हमें comment section में, right? So today's topic first is expansion of G7. Second topic is amendment to the Essential Commodities Act. Third is research and innovation in medical sciences. Fourth is inner line permit. And fifth is adopting the IT solution for Indian Parliament. So these are some of the important topic that is there in today's newspaper. Fine. उसके साथ के साथ कुछ MCQs के सवाल होंगे वीडियो के एंड में और जो कल के हमने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आज बताऊंगा आपको, राइट? सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ द G7. अगर बात करें इस टॉपिक पे न्यूज़ की तो आज के हिंदू में एडिटोरियल में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी जहाँ पे टाइटल है 7 to 11, राइट? सो एक्सपेंशन ऑफ G7 कंट्रीज टू G11 कंट्रीज. सो रिसेंटली US का जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि जो G7 के जो कंट्रीज़ हैं उसको एक्सपैंड करके G11 कंट्रीज़ करना चाहिए, राइट? सो ही इज़ मोर इनक्लाइंड टू वर्क कि जो चार और कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनको इसमें ऐड किया जाए. मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं. एंड US प्रेसिडेंट वॉन्ट कि अभी जो रिसेंट में जो G7 है दैट इज़ आउटडेटेड. सो ही कॉल दिस G7 टू बी आउटडेटेड. और वो चाहते हैं, दे वॉन्ट कि जो करेंट डायनेमिक्स में जिस तरह से और कंट्रीज परफॉर्म कर रही है, दीज फोर कंट्री आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया. सो दे शुड बी मिस्ड बिकॉज दे आर द मिक्स एडवांस इकोनॉमीज एंड दे शुड कम अप विथ G7. बेसिकली जो G7 प्रेजेंट में है उसके साथ ये चार कंट्रीज मिलके दिस वुड बी मेकिंग G11 कंट्रीज, राइट? And India already had attended the G7 summit in 2019 in France. That was held in France. So India ने वहाँ पर participate किया था. Now बात करें G7 है क्या, जैसे मैं आपको बता दूँ इसमें 7 countries हैं जिसे consist of 7 countries. First is Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और United States of America. तो ये आप नाम ध्यान रखिए, अगर UPSC में नहीं तो कई बार आपको स्टेट PCS के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी. बेसिकली G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1975 में, एक इनफॉर्मल फोरम टू डिस्कस द वर्ल्ड इश्यूज़, राइट? एंड इनिशियली इनका जो फोकस था दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशूज़, बट लेटर दे हैव शिफ्टेड टू अदर इशूज़ लाइक ऑयल क्रैशेज इन 1970, टेररिज्म, आर्म कंट्रोल्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. तो ये सारी मैटर्स भी धीरे धीरे इसके जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड कर दी गई. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसीजन दे आर टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट, और जो डिसीजन है दैट इज़ नॉन बाइंडिंग. सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट कि जो रूल जो इनके डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं मेम्बर कंट्रीज पे. तो ये UPSC के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. Now, बात करें जो G7 कंट्रीज है दैट मेट एनुअल समिट्स दैट प्रोवाइड लीडर्स बाय मेंबर कंट्रीज ऑन रोटेशनल बेसिस. तो सारे कंट्रीज के जो मेंबर है रोटेशनल बेसिस पे चेयरमैन बनते हैं G7 के, राइट? नाउ अगर एक्सपेंशन की बात करें, जो बात की गई है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि जो प्रपोज्ड एक्सपेंशन है दैट सजेस्ट द इंक्लूजन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, ठीक है? बिकॉज दीज आर द एडवांस इकोनॉमी. और जो G7 की ग्रुपिंग है दैट इज़ इनिशियली आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ कंसीडर्ड टू बी आउटडेटेड. तो जो प्रपोजल है रशिया को एडमिट करने की, बिकॉज रशिया क्या है, एक क्लोज अलाई है चाइना के साथ भी, राइट? तो यहाँ पे बहुत कंट्रीज़ ने अपना स्ट्रांग रिएक्शन भी दिखाया कि क्या शुड बी इंक्लूडिंग रशिया इन दिस G11, बिकॉज चाइना को कहीं भी यू नो चाइना के जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए G11 को दे हैव बीन फॉर्मिंग. और एक्सपेंशन ऑफ G7 की अगर बात करें दैट इज़ बिलीव टू प्लान एंड यूनाइट ऑल ट्रेडिशनल अलाइज विद असर्टिव डिप्लोमेसी ऑफ चाइना. तो चाइना की जिस तरह से डोमिनेंस है, बात करें साउथ चाइना सी में या और सारे रीजन्स में, उसके डोमिनेंस को कैसे कम किया जा सकता है.
And China, as I told you, is not a member of G7 countries. Now you need to understand why US have chosen these four countries only. हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई एक नो बेसिकली मुद्दा है, बिलीफ होनी चाहिए कि क्यों ये चार कंट्रीज ही, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. सो फर्स्ट इज जो एशिया में अगर बात की जाए चाइना के पॉपुलेशन के हिसाब से या उस कंट्री के नो मिलिट्री बेस या इकोनॉमिक बेस के हिसाब से, तो इंडिया इज द ओनली सब्स्टिट्यूट इन द G11 कंट्रीज एशियन में बेसिकली. फिर अगर साउथ कोरिया की बात करें तो दे आर द मोस्ट टेक एंड इकोनॉमिक सुपर पावर. तो यूएस चाहता है कि यहाँ पे साउथ कोरिया को भी इंक्लूड किया जाए. अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया इज अ नेचुरल अलाई ऑफ यूएस. तो यूएस के साथ इनका काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा भी है, जो बायलेटरल रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे रहे. एंड साउथ पैसिफिक रीजन में जो चाइना के इन्फ्लुएंस है उसको ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पर. रशिया दैट हैज़ अ फोर्स, दैट इज़ अ मिलिट्री पावर, और सबसे ज़्यादा जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो रशिया शेयर करती है, राइट. एंड गिवन इट्स मिलिट्री सुपेरियोरिटी इट इज अगेन अ ड्यूली इम्पॉर्टेंट कंट्री, राइट. तो इस वजह से इन चार कंट्रीज को चूज की गई है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइट इन मेन्स एग्जामिनेशन. तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको बताया ताकि आप वहाँ पर बता सकें कि क्यों ये चार कंट्रीज को ही चूज किया गया है, राइट. नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, जिस तरह से राइज है इंडिया की, चाइना की, ब्राज़ील की ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड, तो बेसिकली जो जी सेवन का जो रेलेवेंस है वो काफ़ी कम होता दिखा है, और ये ज़रूरत आ पड़ी है इस टाइम पे कि दैट शुड बी इंक्लूडेड, लाइक कंट्री लाइक इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया शुड बी इंक्लूडेड टू सपोर्ट द इक्वल लेवल ऑफ कंट्री एट द ग्लोबल लेवल. तो उनको भी एक प्रॉपर फोरम मिले जहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सके. And the proposed expansion may also help the G7 to become more representative institution. क्योंकि countries बढ़ेगी तो जो लोग जो हर country की जो अपनी representation है वो कहीं ना कहीं global forum में भी represent होगी और उस organization का भी दायरा काफ़ी बड़ा होगा, right? So this is what this call for a equal platform at global level. Now moving ahead, the other topic is amendment to the Essential Commodities Act. और इस टॉपिक पे जो न्यूज़ है वो भी आपको आज के हिंदी न्यूज़पेपर में मिल जाएगी. जो टाइटल है कैबिनेट नॉट फॉर एग्री मार्केट रिफॉर्म्स. बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने अभी अमेंडमेंट लाया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे. दिस इज़ अ 65 ईयर ओल्ड कमोडिटी एक्ट जिस पे चेंजेस लाई गई है. और जो अमेंडमेंट है बेसिकली उस पर क्या, इसका क्या फ़ायदा है कि जो कमोडिटीज़ हैं जैसे शेरल्स हैं, एडिबल ऑयल हैं, ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स की बात करें, पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटोज, सो दीज विल बी डी रेगुलेटेड. दे वुड बी नो मोर लिस्टेड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फाइन. और जो ऑर्डिनेंस है वो रिमूव करती है रिस्ट्रिक्शन को, जहाँ पे फार्मर क्या है सेल कर सकते हैं आउटसाइड द नोटिफाइड मार्केट. पहले क्या होता था, उनको जो नोटिफाइड मार्केट है जो APMC है वहाँ पर ही उनको सारी चीज़ों को सेल करनी होती थी. नाउ दे कैन सेल आउटसाइड और डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेसिकली भी बढ़ोतरी दी गई है. जैसे मैंने आपको पहले भी, अगर आप हमारे न्यूज़ एनालिसिस को सुनते आ रहे हैं, तो मैंने एक स्पेशल टॉपिक उस पर डिस्कस किया डिटेल में कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसमें भी ये चीज़ों को इंगेज किया था कि फार्मर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, अपना डायरेक्ट प्रॉफिट बायर से लें, राइट. सो ऑल दिस मेजर्स वेर प्रोमिस्ड अंडर द आत्मनिर्भर पैकेज जो कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की तरफ से अनाउंस हुई थी 20 लाख करोड़ रुपीज़ की, और फिनांस मिनिस्टर ने उसको अलग नो ट्रांचेज में दिया था, 5 ट्रांचेज में दी गई थी. सो दिस इज वॉट दे हैव सेड इन द आत्मनिर्भर पैकेज. नो अगर बेनिफिट की बात करें अमेंडमेंट की, तो उसके क्या स्पेसिफिक बेनिफिट होंगे, तो देखो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो डी रेगुलेट करेगी प्रोडक्शन को, सबसे पहला, दूसरा स्टोरेज, तीसरा मूवमेंट, और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फूड कॉमोडिटीज. दीज फूड कॉमोडिटीज से मेरा मतलब है ये जो मैंने आपको पहले ये जो एडिबल ये जो आइटम्स बताए हैं इस कॉमोडिटीज से, राइट. नाउ बात करें से क्या होगा अमेंडमेंट में, जो इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इन कोल्ड चेन फैसिलिटीज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन. सो हेयर द इन्वेस्टमेंट वुड इंक्रीज एंड दिस वुड गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सेक्टर.
उसके अलावा जो एडिक्वेट प्रोसेसिंग है या फिर जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, सो उससे क्या होगी, जो वेस्ट है वो जो रिड्यूशन ऑफ वेस्ट काफ़ी इससे बचेगी, एंड द इनकम ऑफ द फार्मर विद द पेरिसेबल आइटम कमोडिटीज विल बी अगेन दे विल हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट। देखो होगा क्या, जब कोल्ड स्टोरेज बनेगी तो जो पेरिसेबल आइटम्स हैं इनका जो सेल लाइफ है ये बहुत कम दिन के, 2 से 3 दिन के होते हैं, राइट। लाइक जैसे टोमेटोज हैं, ऑनियंस हैं, ऑनियन फिर भी लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, कुछ ऐसे और भी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो पेरिसेबल आइटम्स में काउंट होते हैं, उनको रखने के लिए स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर स्टोरेज बने तो वेस्टेज काफ़ी कम होगी, राइट। दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिल्ड मोर एंड मोर स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया। नाउ इसके साथ गवर्नमेंट ने और फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ऑफ फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 भी लाया है। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बेसिकली जो बैरियर है जो फ्री ट्रेड का, वो प्रमोट किया जाएगा ताकि किसान डायरेक्टली फ्री ट्रेड कर सके, किसी ई डैम या APMC के थ्रू नहीं। एंड इट विल एम्पावर द फार्मर टू इंगेज इन टू द प्रोसेसर एग्रीगेटर्स, जो लार्ज रिटेलर है उनके साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट करें, और एक्सपोर्ट ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लाइटेशन, बिकॉज जो मिडिल मैन होते हैं उनके वजह से फार्मर्स की जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाती है। एंड फार्मर विल हैव अ फ्री मार्केट जहाँ पे दे डोंट हैव टू गो टू द कंस्ट्रेंट ऑफ APMC, जो एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमिटीज हैं उन पे, वहाँ उनको लिस्ट करके खजाने की जरूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो जो सोल प्रॉफिट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो फार्मर को यहाँ पे मिलेगी, राइट। नाउ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल स्टेटमेंट बेस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये इनैक्ट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1955 में टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बेसिकली ट्रेड एंड प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज दैट आर डिक्लेयर अंडर द एसेंशियल एक्ट। जो भी चीज़ें एसेंशियल एक्ट के अंदर डिक्लेयर हुई है, जिसको लिस्ट किया गया है, उसकी रेगुलेशन और प्राइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। वैसे बात करें अगर एग्रीकल्चर और मार्केट की, तो ये दोनों जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, नहीं कि यूनियन में। आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। और जो एसेंशियल कमोडिटी का जो पूरा पर्पस था, इट एम टू इंश्योर इजी अवेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू कंज्यूमर, और उनके जो राइट हैं, जो प्रोटेक्शन है एक्सप्लॉयटेशन में, वहाँ पे उसको उनको बचाना, ये पूरा मेन एम था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। और 2017 की अगर एक रिपोर्ट की बात करें, तो नीति आयोग ने पहले भी बताया था कि कम्प्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत है जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं सबको, जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। सो दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी और जो चीज़ें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में हैं एग्रीकल्चर के, खास करके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, उनको हटा दिया जाए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से, राइट। नाउ मूविंग अहेड, द अदर टॉपिक इज रिसर्च एंड इनोवेशन इन मेडिसिन साइंसेज। तो इसको बलराम भार्गव ने लिखा है, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द ICMR। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है आज का, इस पर आप इंडियन एक्सप्रेस पे इसको डिटेल में इसमें आप देख सकते हैं, बेसिकली फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगी। तो बात करें कोरोना वायरस पेंडेमिक की, तो इस पेंडेमिक ने हाईलाइट किया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स, कि वैक्सीन्स का क्या अहम रोल है, ये हमें कोरोना वायरस पेंडेमिक की बात पता चला है। वी ऑलरेडी हैव नो बेसिकली वैक्सीन्स की बात करें तो दैट कंसिडर टू बी द फोर्थ यूनर्स इन द सेविंग लाइफ, और पेंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल हेल्थ लैंडस्केप। तो जिस तरह से पूरी पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन हुई है, चाहे वो द मोस्ट पावरफुल कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर इंडिया की बात करें, या नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, तो सारे जगह पे इसका जो पेंडेमिक का जो असर है वो देखने को मिला है। नाउ वैक्सीन एज अ गेम चेंजर, वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा की है। अगर पहले के हिस्ट्रीज उठा करके देखें तो वैक्सीन ने बहुत चीज़ों को मैनेज किया है, जहाँ पे इतने इरेडिकेट किया है कंटेजियस डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, जहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, मिलियन ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स। तो दिस हैज़ ओनली कम इन टू द कंट्रोल वेन द वैक्सीन वॉज मैनुफैक्चर वॉट डिस्कवर्ड। उसके बाद इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया ने डिफीट दी पोलियो की वैक्सीन बनाई गई, और इसके लिए बेसिकली काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी, और 2014 में WHO ने कम्प्लीटली इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था। उसके बाद इन 2015 इंडिया ऑल्सो एलिमिनेटेड द मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस की जो बीमारी थी, उसको भी इंडिया ने वैक्सीन के थ्रू क्योर किया। सो दिस इज़ हाउ वैक्सीन हैज़ बिकम अ गेम चेंजर। नाउ इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द वैक्सीन।
So this is a great achievement for us. And developing the vaccine for COVID-19 is a global health priority. अभी पूरे विश्व, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूनाइटेड स्टेट हो, चाइना हो, इंडिया हो, इन सारे कंट्रीज की प्रायोरिटी है कि किस तरह से COVID-19 का वैक्सीन डेवलप किया जाए. एंड इन फैक्ट मेनी वैक्सीन ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज़ प्रोड्यूस्ड इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरर. जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हुए हैं, उसके सारे वैक्सीन इंडिया की कंपनीज ने ही बनाया. हमने बहुत ज़्यादा फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं किया. अगर बात करें इनोवेशन और रिसर्च की, तो वैक्सीन हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली प्रायोरिटाइज. तो जिस तरह से प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वैक्सीन को इंडिया में और चीज़ों को लेकर के, वो अभी नहीं मिली है, ऐसा कहना है भार्गव साहब का, राइट. सो द डायरेक्टर ऑफ द ICMR सेड कि यहाँ पे और ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने की ज़रूरत है. एंड इंडिया नीड एन अर्ली स्टेज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. देखो, सबसे ज़रूरत है फाइनेंस की. अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो सारी चीज़ें और अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है. तो यहाँ पे कहा गया है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा मिले और न्यू वैक्सीन भी डेवलप हो पाए, राइट. नाउ ICMR के कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. जो डायरेक्टर हैं वो खुद ICMR से, उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया है कि क्या अचीवमेंट्स रही है. बेसिकली अगर जापानीज इन्फ्लेसाइटिस की बात करें तो जेनविक नाम की जो वैक्सीन थी वो ICMR ने डेवलप की. सिगेला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ह्यूमन लैब्स के थ्रू, और काइसेनोर जो फॉरेस्ट डिजीज थी उसके लिए भी वैक्सीन बनाए गए. और ICMR ने इनिशियली जो रिसर्च फंडिंग थी उसको वैलिडेट किया रोटा वायरस और पोलियो के लिए वैक्सीन के लिए भी, ठीक है. और ICMR अभी रिसेंट में कोलैबोरेट कर रही है भारत बायोटेक, बहुत ही बड़ी कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक इंडिजिनस वैक्सीन की तैयारी की जा रही है COVID-19 को, जिसमें वायरस के जो स्ट्रेन है वो आइसोलेट किए जाएंगे. इसकी जो कोलैबोरेशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे है उसके साथ मिलकर की जा रही है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. मेक श्योर ये चीज़ें आपके जहन में, आपके दिमाग में काफ़ी अच्छा से हो, बिकॉज वहाँ पे वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. श्योर शॉट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं. नाउ ICMR हैज़ ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है. फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल भी स्टार्ट हो चुके हैं और लाइव एट्यूनेटेड जो कॉम्बिनेट वैक्सीन हैं वो COVID-19 के डेवलप की जा रही है विद कोलैबोरेटेड विद द ऑक्सफर्ड ग्रुप. सो दिस इज वॉट द अचीवमेंट ऑफ ICMR फॉर टाइम बींग. एंड वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो डेफिनेटली वी नीड टू अप्रोच रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच. जहाँ पे ज़रूरत है बॉटम अप अप्रोच अपनाने की, सही जगह पे काम करने की, रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सारे चीज़ों को यूनिवर्सिटी लेवल पे ही प्रमोट करने की ज़रूरत है. एंड कंट्री नीड अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मोबालाइज रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पसेस, राइट. एंड इट इज़ अ टाइम जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, PPP मोड के थ्रू सारे चीज़ों पे काम किया जाए ताकि एक बेटर रिसोर्स टूल हो जहाँ पे इंडिया एक ट्रूली आत्मनिर्भर बन सके, जो कि आत्मनिर्भर स्कीम सरकार ने इसके लिए जो लेकर के आई है. यहाँ पे भी आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस होने की ज़रूरत है. नाउ द अदर टॉपिक इज इनर लाइन परमिट. ये भी आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, जहाँ पे टाइटल है इनर लाइन परमिट एंड इट्स ये कॉन्टेक्स्ट. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्पांस में सेंटर से पूछा है कि जो दो प्ली थी आसाम यूनियन की तरफ से, जिनके बेसिकली ऑर्डर्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे अमेंडमेंट करने के लिए, प्रेसिडेंट जो वेस्ट बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 उसको डिनाई किया है, जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, तो उसको कैसे इंक्लूड, किस तरह से सीनियर सिटीजनशिप जो हमारे जो बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें किस तरह से ये चीज़ें इंटरफेयर कर रही है, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज साउट अ रिस्पांस. उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है. और अंडर सिक्स शेड्यूल की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो क्रिएट किए गए थे फॉर ट्राइबल एरिया, दैट इज आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, इन तीन स्टेट्स के लिए. अब इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट की अगर आप समझे तो इस पर UPSC ने प्रीलिम्स में सवाल पूछे भी हैं और आने वाले समय में कुछ और सवाल भी बन सकते हैं. तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड की जाती है उस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इनर लाइन परमिट के अंदर में आते हैं. अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको ILP का परमिट चाहिए होगा, राइट. विदाउट ILP परमिट यू कैन नॉट एंटर दैट एरिया. और इट इज़ अ स्पेशल रिक्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी आउटसाइडर अगर आ रहे हैं उस जगह पे इंटरफेयर करने के लिए नोटिफाइड एरिया में, तो दे नीड टू गिव द दे नीड टू गेट द परमिशंस.
और इट इज़ बेस्ड ऑन द बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1863 के अंदर जो ILP है वो रेगुलेट होती है. एंड दिस वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट फ्रॉम द हिल ट्राइबल हु वेयर टू इन्वेट द ब्रिटिश सब्जेक्ट. तो पूरा मोटो उस टाइम पे ब्रिटिश के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें इनकैप्सुलेट हुई थी और चीज़ें अभी तक कंटिन्यूड है. ILP के कनेक्शंस की अगर बात करें सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के जो पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो CA बेसिकली रिलैक्स करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ माइग्रेंट्स जो कि बेसिकली 3 कंट्रीज से आते हैं. वहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप एग्जाम्स है कैटेगरीज एरिया इंक्लूडिंग दोस प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट. सो इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ईज ऑन हो रहा है जिससे लोगों को अगेन CA में प्रॉब्लम आ सकती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंटेक्स्ट. और बेसिकली जो मेन है वो आपको ILP पे डायरेक्ट प्रीलिम्स में स्टेटिव प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल पूछे जा सकते हैं. नाउ अडॉप्टिंग IT सॉल्यूशंस फॉर द इंडियन पार्लियामेंट, दिस इज रिटन बाय MR माधव एंड ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक. इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही है PRS रिसर्च, हमारे एनालिसिस भी आते हैं PRS, उनके डायरेक्टर हैं MR माधव. इन्होंने बताया है कि किस तरह से सॉल्यूशन ज़रूरी है, IT इनेबल्ड सॉल्यूशन ज़रूरी है इंडियन पार्लियामेंट के लिए. तो पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर मीटिंग विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लोग काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन द रिस्पॉन्स टू द COVID-19 पेंडेमिक. बट अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उनका अभी तक कोई प्रेजेंस नहीं रहा है, नोटेबली वो एबसेंटी रहे हैं इन सारे रिस्पॉन्स में. और ये ज़रूरत है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस की जहाँ पे कन्वीन करने की ज़रूरत है, एक अडॉप्टिंग सिचुएशन लाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम IT सॉल्यूशन के थ्रू सारे चीज़ों के प्रोसेस को इजी कर पाएँ, राइट. कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुकी है, पार्लियामेंट ऑलरेडी फंक्शंस कर रहे हैं COVID-19 के बाद. तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कैनेडा, जहाँ पे उन्होंने अप्रैल के एंड में ही 280 जो रफली मेम्बर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने सरकार से 3 घंटे तक सवाल भी पूछे हैं. तो ये सारी चीज़ें एक हेल्दी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है. ब्रिटेन पार्लियामेंट की बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है जहाँ पे इन पर्सन वीडियो अटेंडेंस भी की जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की वहाँ की. नाउ सेवरल अदर कंट्रीज जैसे कि जो कंट्रीज हैं दैट इंक्लूड फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने प्रॉपर डिस्टेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने पार्लियामेंट को एक्टिवेट कर चुका है. दे हैव स्टार्टेड. नाउ मेनी अदर कंट्रीज आर कन्वेनिंग देयर कमिटमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. बट अगर इंडिया की बात करें, वी हैव स्टिल नॉट इनिशिएटेड. इंडिया में सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है, अनलॉक 1.0 स्टार्टेड है, बट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब से स्टार्ट होंगे, राइट. देयर नीड टू हैव अ हेल्दी डिबेट. और पार्लियामेंट फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे अहम बात है कि जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल रोल है हमारे गवर्नेंस की, राइट. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक ऐसी चेक बैलेंसेज हैं जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे डिबेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. कोई भी एम्बिगुअस डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, हमेशा हर चीज़ में डिबेट का होना काफ़ी अहम है. सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेटर होल्डिंग द गवर्नमेंट टू अकाउंटेबल इन द प्रेजेंट डे. क्वेश्चन होनी चाहिए, मोशंस होंगे, डिबेट्स होंगे कि जो सरकार की जो डिसीजन है वो कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं. और दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट दैट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. को कोई भी एक्सपेंडिचर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की दैट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट अप्रूवल. तो अभी जिस तरह से बंद है, सारी एक्सपेंडिचर इनकर की जा रही हैं, सो दैट इज अनदर कोर्स ऑफ डिबेट जहाँ पे अपोजिशन, जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको ये राइट है कि वो सारी चीज़ों को समझें कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किस चीज़ों पे खर्च कर रही है, राइट. एंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर टू एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस. जो हेल्थ क्राइसिस है लॉकडाउन के बाद, उन्होंने गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए भी हैं, बट एक बेसिकली डिबेट, एक डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे अपोजिशन के साथ भी. सो दीज हैव बीन द सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एंड अप्रूवल. तो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जो स्क्रूटनाइज करती हैं चीज़ों को. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेसी एंड दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट पार्लियामेंट शुड फंक्शंस, राइट. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, तो ओवर लास्ट 3 मंथ्स में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली 5,000 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं अगर मिला करके देखे जाए COVID-19 के बाद. तो कौन कौन से डिसीजन अप्रोप्रिएट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो रेफ़र करने की ज़रूरत है पार्लियामेंट कमिटीज़ को, साथ के साथ डिबेट करने की ज़रूरत है.
तो यहाँ पे सजेशन बताई गई है कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से बेसिकली वी शुड स्टार्ट द प्रोसेस. एंड इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द पार्लियामेंट टू हार्नेस द कंट्री आईटी स्ट्रेंथ. तो जो हमारी आईटी स्ट्रेंथ है, अगर बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ नहीं सकते हैं, ट्रैवल इश्यूज है, तो आईटी लेवल को स्ट्रेंथ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो और कंट्रीज में, ब्रिटेन में की जा रही है, इटली में की जा रही है, उस तरह का कुछ हम अपना प्रॉपर कर सके, ताकि जो परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी का जो कोर एसेंस है, जो मेन फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी है, वो बरकरार रहे. राइट, सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड. Now, as I tell you, we have started a Telegram channel for the answer writing series. So this is a dedicated Telegram channel जहाँ पे आप answer writing practice कर सकते हैं. हर सुबह यहाँ पे आपको question post होती है और आपको जो अपना correct answer है वो 6 pm तक देना है. Video के description में आपको इस Telegram channel के link भी मिल जाएंगे. आप direct उस पर click करें और वो आपको redirect करेगा Telegram channel पे. Right? So do participate and increase your answer writing skill. तो बात करते हैं जो कल की questions है उसके answer की तरफ. तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है सी. तो मैंने आपसे पूछा था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एनजीटी है उसके बारे में. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इनेबल करती है स्पेशल ट्राइब्यूनल को टू हैंड ओवर द केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. राइट, जो दूसरा है, जो चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के होते हैं एंड अदर जुडिशियल मेंबर आर फ्रॉम द रिटायर्ड हाई कोर्ट. फाइन, नो बात करें, ईच बेंच ऑफ द एनजीटी कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट वन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड वन एक्सपर्ट मेंबर. और जो ट्राइब्यूनल है उनके पास पावर है अपने डिसीजन को रिव्यू करने का. इफ दिस फेल, द डिसीजन कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days, ओनली विदाउट 90 days, नॉट मोर देन दैट. तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर कोई दूसरे सवाल आए तो उसको आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू, आपको अगर याद रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे. Now the second question, यहाँ पे जो answer है that is D. The center has signed a historic pact of permanent solution of Bru refugee issues and the agreement between the union government, government of Tripura, Mizoram has been the representation to end 2300 Bru ring refugee crisis. Right? तो इसमें दो स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम. तो आप MTTM जो भी शॉर्ट निमोनिक्स आपको लगता है उस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं. राइट, नो बढ़ते हैं अपने आज के MCQs क्वेश्चन की तरफ. सो द फर्स्ट इज फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, ये स्टैटिक पोर्शन से है. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी amended, altered अंडर द आर्टिकल 368. फर्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, सेकेंड इज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, कोरम इन द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. सो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आप बता सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी. So whatever you feel is the correct answer, do write your answer in the comment section. और comment में हमें answer के साथ साथ ये भी बताएं कि जो आपने new format देखा है वो आपको कितनी पसंद आई है, उसके बारे में भी ज़रूर comment करके बताएं. Right? Now the second question is from the modern history. Which of the following is the social agenda of Prarthana Samaj? Women education, interstate marriages, raising the age of the marriages for both हैं, male and females. तो इसके correct answer one, बी, सी या फिर डी. सो आप प्रैक्टिस करें, आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा सेमिनार. सो यहाँ पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन से, दोनों से रिलेटेड वेबिनार होंगे. दोनों के जो डेट वो सेम है 7th को, पर टाइमिंग डिफरेंस है. फॉर वेस्ट बंगाल द टाइमिंग वुड बी 3 to 4 PM एंड फॉर उड़ीसा वुड बी 6 PM to 7 PM. तो पार्टिसिपेट करें, दोनों में नंबर दिए हुए हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी. तो अपने आप को वहाँ रजिस्टर करें और मेगा वेबिनार में पार्टिसिपेट करें. राइट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके. कुछ इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन सारी PIB योजना कुरुक्षेत्र ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ प्रिपरेशन के साथ साथ. राइट, and sincerely thank you for listening to this video. Agar koi bhi concern ho to hame zarur bataye, we'll be more than happy to assist you. For time being I'm signing off, wish you all the best, stay home, stay safe. Thank you so much for listening.